हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और भगवान शिव का एक रूप जो कि शांत रूप माना जाता है उसे नीलकंठ माना जाता है, जो कि पृथ्वी लोक पर भगवान शिव के शांत रूप को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हलाहल विष निकला था, जिसे जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने ग्रहण किया था और उस विष को अपने कंठ में ही रोक दिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। इसलिए देवताओं के और सभी लोगों के भले के लिए भगवान शिव के उस रूप को नीलकंठ रूप, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, वह बताया गया है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर किसी को नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि वह मनुष्य बहुत ही भाग्यवान है, भगवान शिव की उस पर असीम कृपा है, वह व्यक्ति अपने सभी बिगड़े हुए कार्यों को बना सकता है। दोस्तों, सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना क्या संकेत देता है, इस वीडियो के जरिए हम यह बात जानेंगे। नंबर एक, दोस्तों आपको अगर सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी अपने बाईं ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही आपको आपके किसी प्रिय के मिलने का संयोग प्राप्त होगा, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं उससे आपको मिलने का संयोग प्राप्त होगा, इसका अर्थ होता है कि प्रियतम से मिलना आपका होगा। नंबर दो, दोस्तों सावन के महीने में अगर आप नीलकंठ पक्षी को अपने दाईं ओर उड़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है, अगर स्त्री देखती है तो उसका अर्थ होता है कि वह अपने पति से उसका समागम होगा, उसका पति अगर उससे दूर है, उसके पास नहीं है, तो शीघ्र ही उसे अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त होगा। वहीं अगर पुरुष को दिखाई देता है तो उसे भी अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय से छुट्टी मिलकर उसे अपनी पत्नी से मिलने का संयोग प्राप्त अवश्य होगा। नंबर तीन, दोस्तों अगर नीलकंठ पक्षी आपको अपनी पीठ के पीछे उड़ता हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको अपने बचपन के अथवा आपको अपने पुराने रिश्ते से मिलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी आपके पीठ के पीछे आपको दिखाई देता है तो आपको बहुत पुराना अथवा बचपन का कोई दोस्त आपको मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अगर किसी समस्या में चल रहे हैं तो उस समस्या से उबर पाएंगे, वह दोस्त आपकी मदद करेगा उस समस्या से निपटने में। यहीं अगर कोई व्यक्ति किसी को बहुत चाहता है और वह बहुत दिनों से नहीं मिला है तो भी उसे उससे मिलने के योग प्राप्त होंगे। नंबर चार, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति नीलकंठ पक्षी को धरती पर बैठा हुआ देखते हैं तो यह एक प्रकार से शुभ नहीं माना जाता है, खासकर विवाहित लोगों के लिए। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि अगर आप नीलकंठ पक्षी को सावन के महीने में धरती पर बैठा हुआ देखते हैं तो आपकी पत्नी को पेट से संबंधित रोग होने के खतरे हैं, इसलिए सावधान रखिए, खासकर पानी के मामले में, जो पीने का पानी होता है उसके मामले में आप सावधानी रखें, जिससे आपकी पत्नी के पेट का स्वास्थ्य खराब ना हो। नंबर पांच, दोस्तों अगर आप नीलकंठ पक्षी को सावन के महीने में किसी हरी भरी डाली पर बैठा हुआ देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है, इसका अर्थ है कि पत्नी की सहायता से अथवा पत्नी की तरफ से आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है, कोई शुभ संकेत मिलने वाला है अथवा आपको किसी ना किसी प्रकार का लाभ अवश्य होने वाला है। नंबर छः, दोस्तों अगर आपको नीलकंठ पक्षी सावन के महीने में किसी सूखी हुई डाली पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह शुभ नहीं माना जाता, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप शीघ्र ही सतर्क हो जाएं और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। दोस्तों, अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ कह भी देता है, खासकर आपकी पत्नी, तो आप अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। नंबर सात, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी का झूठा फल खा लेता है तो उस व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होना आवश्यक हो जाता है, भगवान शिव की कृपा से उस व्यक्ति का सौभाग्य वृद्धि करने लगता है, उस व्यक्ति को मनोवांछित फल मिलने लगते हैं और उसका जीवन सुखमय जीवन होने लगता है, उसका पारिवारिक जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। नंबर आठ, दोस्तों अगर नीलकंठ पक्षी सावन के महीने में किसी अविवाहित कन्या के ऊपर आकर बैठ जाता है तो यह बहुत ही शुभ होता है, इसका अर्थ होता है कि उस अविवाहित कन्या का विवाह इस जगह होगा जहां उसका सौभाग्य उसका साथ देगा और उसकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी, उसकी ससुराल बहुत ही सुखमय और उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी।
धन्यवाद।